करबला तक हुसैन नन चूहादा मुहर्रम तू कयामत तक मुस्तफा हुसैन चूहेकों इंसान दे जिस्म दी बका वजूद बाकी रहना दूसरा है नाम दा बाकी रहना मैं कोई आदराना पैगंबर दी बका दा नाम है हुसैन इब्ने अली दीन शरीयत कुरान पर्दा हया गैरत ईमान इस दी बका दा नाम है हुसैन इब्ने अली इमाम अली मकाम सिर्फ शिया दे मोहसिन नहीं तशय्यु दे मोहसिन नहीं इमाम हुसैन कायनात दे मोहसिन शिया सुन्नी तो हट के मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी तस्लीम करें दे कि जै इंसानियत बचाइए उसका नाम हुसैन इब्ने अली शाबान अल मुअज्जम अल्लाह ने अपने हबीब को और नवासा अता किया जिसको चाह के पैगंबर बड़े खुश होए कि मेरे दीन को बचावन आला हुसैन दुनिया ते आ पूरी जिम्मेदारी ने लाद कर लिया मेरे इमाम हुसैन का आवना हुक्मे खुदा थे जहन्नम दे फरिश्ते थोड़े जे लम्हे वास्ते जहन्नम में जलन वाले बंदे को ब्रेक दियो सुकून दियो थोड़ी रियायत दियो पालने वाला क्यों आवाज तौहीद ये जरा इन्हें को थोड़ा रेस्ट मिल से ते पूछ से जो रियायत क्यों मिली है इन्हा को दसो दुनिया ते हुसैन इब्ने अली मदरसे का प्रोग्राम है जेलम की मजलिस है अल्लाह तला टोरे कबूल फरमावे मैं चंद जुमले अपने टाइम में जरूर पढ़ने हुरान जन्नत जन्नत सजाओ सजी हुई तो पहले भी है मजीद सजाओ फाखरा लिबास पाओ मुकम्मल तैयारी करो पालने वाला तब्दीली हा दुनिया ते हुसैन इब्ने अली नाले हुक्म होया जिब्राइल जी पालने वाला अगे तो जमीन ते वेंदा रहनी ते फरिश्ते तेरे नाल हुसैन आमन मंजन तेरा इस घर हर वक्त लेकिन आज वन जरा अंदाज बदल के वन थोड़े नहीं ढेर सारे फरिश्ते नाल जमीन ते लगा वन मेरे नबी को मुबारकबाद दे लश्कर नाल चला जिब्राइल मुतमैन था बैठी होना जी जी मैं बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचा मेरा प्रोग्राम ही 8 बजे पढ़े से मैं अगले प्रोग्राम पढ़ गए इंसान चलो तो ओज चुप गए तो कम अज कम एक उधर टाइम पढ़ गए अल्लाह तो सलामत रखे थे अगे मैं सफर जरूर करना है लेकिन अपना टाइम पढ़ के छोड़ना चाहना कसरत नाल जिब्राइल फरिश्ते नाल जब चला तो मशहूर वाकया जो वादी तो गुजरता पिया उतरोस नामी फरिश्ता जमीन ते पिया हाथा ए वाकया तो तुसा सुना है इथा रोक के गल करे ना मैं आ दर ना मेरे मेहरबानो नूह तो घन के ईसा तक दरमियान जितना नबी जख्मी थे जख्मी नबी जमीन ते थींदे हन इलाज वास्ते अल्लाह आसमान तो मुआलिज भेजेगा फरिश्ता आवे हा नबी नाल पर मस करे हा नबी को सेहत मिले ठीक हो गया यानी बीमार होता नबी जमीन ते
मोहाले जांदा हां आसमान तू पर मस्करियत सियत मिल वेंदी है। ये फुतरत जिहड़ा फरिश्ता है इनको सजा मिली है आसमान ते, रहना पिया जमीन ते, गुजर थे जिब्राइल दा पुछ जिब्राइल ये तो तय हा जो इतना फरिश्ते उस वेले जमीन ते वे सेंदा कयामत आवे से, इतना फरिश्ते तो उन वेले आवणे आ ये लश्कर जो गिदी वेंदी कोई कयामत आ गई है। जिब्राइल आदे कयामत तो नहीं आई, आखिरी पैगंबर को अल्लाह ने नवासा अदा किते उनको मुबारकबाद भी मन पे वेंदा हुन कुदरत फरिश्ता दे के आखन लगा जिब्राइल वेंदा तो पई सब तो पहले नबी को मेरे सलाम देवी, जना सलाम का जवाब मिले बाती नवासे दी मेरे तरफ भी मुबारकबाद देवी, जना मुबारकबाद देगी ने ते अल्लाह दे नबी को आखी अल्लाह दी इस धरती ते तुआडे तो वड़ा कोई ऐसा शाफी है जिने दरवाजे ते मैं बनया, अल्लाह दी इस धरती ते इतना अरसे तू सजा जो कटे ना पिया तुआडे तो वड़ा कोई है जिना मेरे को छुड़वा छोड़े सराय के तो ही आखाना बाबा। त्रै गालियां हो गया, सलाम देवी मुबारकबाद देवी ठीक आखे जो तुहाडे को वड़ा तबिया कोई कह नहीं, ते चौथी गल है जिब्राइल अगर मेरे को नाल घीती जुलने तो मौका अच्छा है मैं खुद जुलना पिया जी। अगे जिब्राइल आई उस क्या ठीक है लगा चल सारे ना आ गए, देखो घर च पंज तन मौजूद है, नबी खुद दुआ मंगे ये जरा मरीज है गुसियत मिल वे आप नहीं मंगते तो मौला अली को जा रखे, मौला अली च मंगे मौला अली को नहीं आते तो सैयदा को जा रखे, सैयदा को नहीं आते तो इमाम हसन को जा रखे, या यह के खुद इमाम हुसैन को जाके जिन्हें मुबारक वास्ते आया खड़े ठीक, अगर आहदे नहीं तो इमाम हुसैन के जिस्म नाल मस्त करें तो ही को सियत मिल वजे जी। मेरे नबी ने फरमाया इसको मेरे हुसैन के झूले नाल मस्त करो, या नबी अल्लाह इस पढ़े लिखे दौरे च मदरसे च बह के ए मोमिनीन सवाल करें पंज तन दे होंदी इस झूले दी क्या हैसियत है जो खुद पंज तन मौजूद होवेन ते मस करन झूले नाल, ए पूछना चाहनी दी कोई खास वजह है। पैगंबर दा इको जवाब मिलदे 61 हिजरी तक दा हुसैन रह से अगर आज जिस्म नाल मस किता वंजे 61 तो बाद हुसैन दा जिस्म नहीं मिलना, लोगों को एक गल मिल वजनी है हुन हुसैन तक कहनी साको शिफात कितु मिल से असा को सकून ते आराम कितु मिल से, मैं पैगंबर आखरी हूं वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मैं नाम दा मुहम्मद नहीं मैं रसूल भी हाँ, आज मेरे हुसैन दे पंगोड़े नाल मस करो कल को मरीज थी वे तो जर्री नाल मस करा है ये तो वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन को वखरा मकाम अता किया, अल्लाह ने इमामत नस्ल हुसैन इस रखी ठीक है, जितना भी इमाम है इमाम हुसैन के बाद औलाद इमाम हुसैन, इमामत को नस्ल हुसैन जुर्रियत ही नस्ल हुसैन इस रखी। दूसरा अल्लाह ने इमाम हुसैन को एक मकाम अता किते कि तेरी अगर आस पास अल्लाह के घर च भी दुआ कबूल न पे थी हुए इमाम दे उस कुप्पे दे तले वज खड़, ए मकाम अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता किते उस कुप्पे दे खड़ के तले खड़ के जो दुआ मंग से तेरी हर जायज दुआ अल्लाह कबूल करे, तो मंगना ही में जो अल्लाह तो मंगने तो आले मोहम्मद दे वसीले नाल मंगने
मेरे अल्लाह ते को वास्ता है हुसैन इब्ने अली दा। एक दुआ मंगने का बेहतरीन तरीका। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अली मकाम को मकाम अता किए, इज्जत अता की है। खाके करबला को सिर्फ खाके करबला नहीं आदे, खाके शिफा भी आदे। ठीक हो गया। इतने रोक के मैं पैगाम जरूर देना रहना, मैदा अगर घर च बच्चा और बच्ची पैदा थी वे तो वो कुजड़ी बूटी लेंदी ना दूध नाल, बेशक वो एक कतरा उस खाके शिफा न लाया कर बंदा गैरतमंद बन दे। इस जगह उस दूध च बोड़ के जो कतरे उस तो एक दूध हैं वो बच्चे दे मुंह च पे वंजन तो समझी ते खाके शिफा दी गुटी ले। ऐसा बच्चा आजादार बन दे। ठीक हो गया जी। ये मकाम अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता किया कि वाजिब हज के वंजो, एक हज का सवाब है। वाजिब हज तो बाद जवारी इमाम हुसैन ते वंजो 70 हज का सवाब। बंदे मासूम तो पूछा, छठे इमाम तो पूछा, मौला इतना बड़ा सवाब? मौला फरमाया हर कदम ते हज का सवाब भी मिल सकते, चावन ते उम्रे का सवाब भी मिल सकते। यानी कदम रखे सो हज का सवाब, कदम चे सो उम्रे का सवाब। मौला वो कदम मिल सकते ते के तू मिल सकते? मौला फरमाया उस वास्ते मार्फत होनी चाहिए। मौला कैसी मार्फत? इमाम फरमाया होर दे तरह मार्फत तू चरक, अल्लाह हज का सवाब ही अदा करे से उम्रे का। ये मेरा वक्त मुकल लगा, बस आखिरी गल सवाल है। उन्होंने अक्सर करते हैं, पहले भी मैं अर्ज किया, जब सारे जमाने ने इमाम हुसैन दी, सारे जमाने ने यजीद की बेइज्जत कर दी है, तो इमाम हुसैन की बेइज्जत कर गए ना, और ये बच्चे शहीद ना हुए ना। अक्सर सवाल होने करबला च इमाम शहीद ना हुए ना, इमाम की बेइज्जत कर गए ना, आप बचवाने ना, औलाद बचा गए ना। हमेशा मैं याद रहना मेरे भाई, जब इमाम हुसैन ने बेइज्जत नहीं की थी तो बाकी ने क्यों की थी? तवज्जो नहीं। ये अगन के सारे जमाने जब बेइज्जत कर की थी तो एक इमाम हुसैन ने क्यों नहीं बेइज्जत की थी? इमाम भी करके ने ना। मैं याद आना, जब इमाम हुसैन नवास रसूल ने बेइज्जत नहीं की थी तो सहाबा की औलाद ने बेइज्जत क्यों की थी? ठीक। फिर से मैं अगली गल करे मराना, जब सारे जमाने बेइज्जत कर की थी तो एक इमाम हुसैन ने नहीं की थी बेइज्जत, तो यजीद को चाहिए वो हुकूमत कर रहा है, एक इमाम हुसैन वाले पास मुतवज्जे ना हो गया। सारे मुल्क बेइज्जत कर की थी है, अपनी हुकूमत कर रहे, एक बार बार एक इमाम हुसैन को बेइज्जत मंगता क्यों रहा? एक यजीद समझदा सारा जमाना एक पास है, हुसैन एक पास है। यजीद समझदा कि सारा जमाना एक पास है, हुसैन एक पास है। जिस तरह मेरे किबला फरमाइंदे पे जिसकानी साहब, और मेरे भाई जरा समझने की कोशिश कर, शैतान दा मुकम्मल तौर पे नुमाइंदा है यजीद, रहमान दा मुकम्मल तौर पे नुमाइंदा है हुसैन इब्न अली। इसको इस तरह समझ, चिश्ती अजमेरी ने खूब आख्या शाहस्त हुसैन, मत किस ना चिश्ती ते चस नहीं की थी, बादशाह हस्त हुसैन। हुसैन सिर्फ शाह नहीं है, हुसैन बादशाह है। फिर आखिया दीन हस्त हुसैन, मत किस ते ठीक नहीं है, क्या दीन है पना हस्त हुसैन। अच्छा चिश्ती अजमेरी ने, मजलूम से चिश्ती अजमेरी ने ये आखे कि दीन हस्त हुसैन। चिश्ती अजमेरी मेरे शिया सुनी भाई, चिश्ती अजमेरी ये नहीं है क्या इस्लाम हासिल है? इस्लाम चले मुस्तफा को, दीन चले आदम को। चिश्ती अजमेरी ने दुनिया को पैगाम दिते हुसैन रसूल का नायब नहीं, हुसैन आदम को गिन के पैगंबर तक सारे नबी का नायब है।
तो है तेरी मेरे चिश्ती ने पैगाम दिते कि हुसैन सिर्फ रसूल का नायब नहीं, अगर इमाम हुसैन रसूल के नायब होवे ना तो चिश्ती आख्या इस्लाम वास्ते हुसैन, इस्लाम बना वास्ते हुसैन, लेकिन अजमेरी आख्या दीन वास्ते हुसैन, दीने पनाह वास्ते हुसैन। चिश्ती समझदा हा दीन आदम तो चले जिहड़ा वो हुसैन तक पहुंचे, जो इनकार यजीद तो चले, जो इनकार शैतान तो चले वो यजीद तक पहुंचे। एक मैं इस तरह आदर आना जिमें ओनू इसरार बुलंद हा एनू इनकार बुलंद हा। तो जो कोई आदम थोड़ी सलवाद बाबा मेरे ख्याल च मेरा टाइम भी मुक चुका, जितना सलवाद बाबा दे ग्रंथ चक्कर ठीक हो गया। इस दिन ते खर्चा ही आले मोहम्मद किसे सहाबा दियां दियां बाजार ते दरबार नहीं दिए, बाजार ते दरबार सिर्फ अली दियां दियां जी। मजलूम सिर्फ करबला तू, करबला तू शाम तक इस हालत च जै खुतबे पढ़े ना अली दी थी आई। बारहवें आका दा सलाम है, फरमेंदे ने सलाम मेरा उन्हां दादियां ते जिन्हां दे चेहरे दे रंग सर्दी और गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो बदल गए। ये माँ और धी दी अजीब किस्मत आई, जदा माँ वल आई यही दरबारी चू तो धी ना सुजान सकी, जदा धी वल आई ये वक्त भिरा नहीं सुजान सकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दिया ने पर्दे होंगे अध रात दा वेला बिल्कुल अपने टाइम च मैं गल सुनी है। अध रात दा वेला आई यजीद ने अपना सिपाही भेजे वन हुसैन दे बीमार को सदा, 22 साल दा ते बीमार इस जवानी दी ऐन उम्र है, ऐन शबाब है, इस उम्र च ना कहीं दी कमर झुकदी है ते ना कोई रत रोंदे। हुसैन दे पुत्र दी बीमारी दा नाम है बाजार ते दरबार, बीमारी दा नाम है गैरत ते लगी बाजार ते दरबार तो इस अज रात दा वेला आई यजीद दे सिपाही आके जगाए, जगा मांदा कोई अजीब तरीका कार इस हालत जगाया जो हुसैन दे बीमार दे जख्म डुक पाए। हाँ चेला में मजलिस सुन अल्लाह तेरे मेरे घर च एक जनाजा होवे ना ते को ते मेरे को सकून नहीं होंदा, ये उन्हां को रो आना ही जिन्हें दे घर च 72 जनाजा हा ते रो नहीं सके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ना ना ही आंदा कैदी च सदे आ मेरे जख्म दुखाए नहीं क्यों जगाई आई। यजीद सड़ेंदा ही तेरी पेशी है अच्छे लम करण आला लफ्ज़ पेशी है मजबूर एडा हा जो नाल आले साथी को जगा है उठी पेशी के जुन्ना है जी मजबूरी है मजबूरी है एक वजना पूरा दूजा नाल वेंदा बाकी पूछा है बाबा अधरात वेले कोई पेशियां होंदियां रो के फरमाया बचड़ा जिंदा वारिस होवे होंदियां दिन दियां पेशियां लगदियां जिंदा वारिस ना हो अधरात दिन ने पर दोनी आखड़ा है क्यों सदाई सजाद तेरियां कैदा रे हाँ वतन ते वाल वाल लह गए जंजीर। बीमार फरमाया इमाम मया सरबरा मेरी फूफी है मैं फूफी तो पूछदा वो क्या चाहती है। वल्लाह हुण मैं आदर आना ये पहला मौका हा प्यू अलग वदा टुरदा हा पोत्र अलग वदा टुरदा जी जी कैदा छुटदे ना इस्तकबाल होंदे हो शरीफा ये रोंदे वदे अंत टुरदे अलग वदे
अगली दफा अली दी थी प्यू ते पुत्रां को अलग टुरदा दिठैस। अल्हम्दुलिल्लाह कह छुट गई है, हाँ मां छुट गई है। ओ आदे वतन ते वाल वन्यो, बीबी आदे उनको आप जे वतन ते आदे वाल वन्यो ना उनको आप लुट कर बला दी देवे, उन्दे विच पीरा कुछ देवे न देवे, मेरे भिरा दा ओ कमीज देवे जिहड़ा आखरी वेले मेरे भिरा दे बदन ते आ, बशीर महारी देवे। सोनी है कि ती लफ्ज बशीर है, खैरा दा मरीज रुन्ने। अम्मा शाम दे वस्ते लोगों ने ना याद कीते नी, बीबी आदे एदा शरीफ है जिता हर कोई मेरे को बागी सदेंदा ना, उम्र बागी दी भेड़ सदेंदा ना, ए पानी मरेंदा जरा करीब आवे आना। मुंह बह पासे करके आदा अली दी धी करबला कुछ बनिया ठीक आ शराबी दे दरबार ना आया नहीं दे पर्दे होने। सोनी है कि बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा, सोनी है कि तीन मनो को कमीज देवे। बीमार आखरे मेरी फूफिया दी है, वखरा मकान होवे, बशीर महारी होवे, त्रै महमालों में लुट कर बला दी होवे जी, ते मेरे भिरा दा कमीज जरूर दे। अगली गल हुण यजीद की थी है, यजीद आदे सजाद मेरी मालूमात जितना है तेरे बाबे दा कमीज एदा जख्मी है जो कहीं दे इस्तेमाल दे काबिल नहीं। हाँ हाँ चेलम करने वाला तो अमीर बन के बैठा सुन गए, मैं हुसैन की गुर्बत खड़ा रहते छठे इमाम तो पूछा गया मौला तुरे दादे दे जिस्म से कितना जख्मान, इमाम फरमाया वक्त आखिर एडे जख्मान इस उबे दी हवा लम्मे गुजर वेंदी या लम्मे दी हवा उबे गुजर। इधर जख्मी कमीज है तुम्हारी फूफी को इंदी क्या जरूरत पै गई है, तो मेरे को नहीं पता वो है केंदे को। सुन सचे हम करने वाला बीमार आदे अम्मा वो पूछदा है कमीज तो एदा जख्मी है उनकी जरूरत क्या है, दूसरा लुटने वाले ढेर हैं मेरे को नहीं पता वो केंदे को ले। बीबी आदे सज्जाद हो गुआ पहली गलत है कि एक कमीज मेरे भिराद नहीं मेरे नाने मुस्तफा है, दूसरी गल है वो आदे ना कई कोले हो को वन आक इसहाक जवेरिया दे घर में लफ्ज इसहाक जवेरिया है। बीमार आदे अम्मा ते को किवे पता जो इसहाक जवेरिया दे घर है। बीबी आदे सज्जाद जदा पहली रात मैं जिंदा नहीं है ना ते मेरे को मां मिलना नहीं है, मैं पूछे अम्मा होण किन में से मेरे को आदी तेरे बिरा दा कमीन इसहाक जवेरिया दे घर है। मैं जहरा उठा वन के रोने बिस्मिल्लाह करा जी, सुनी आए कि तीन बिस्मिल्लाह करा दिया ने पर्दे होने बिस्मिल्लाह करा जी, ना कोरा का बाबा वखरा मकान मिल गया। बस अपने वक्त खत्म करने वा, शाम दिया औरत आईया अली दी धी पहली मजलिस पढ़िए ते आपने दुख दसिए फरमाए शाम दिया औरत अठावी दवतन छोड़ाया अठ को हराम त्रुटे पहली मजरस अली दी धी पड़ी है। शाम दिया औरतां नूं कुकर बलाईया सत दा मेरा पानी बन थे दादा दिना मेरे अकबर को बरछी लगी। बीबी आ गया जा अकबर को रोंदी बैठिया मवत कासम लाज ते घोड़े भज गए। बीबी आ गई शाम दिया औरतां जा कासम नाए बुलिया जन सहारे दे कर बलाईया मुंडे बाजू कलम हो गए। अब्बास रोंदी बैठिया मास घर को तीर लगा मेरा भिरा भज दे घोड़े दुलता। शाम औरतां मैं भिरा को रोंदी बैठिया मफौजा मेरे खैमे च दाखिल हो गया मेरे खैमे को मा लिए ने मेरी चादर लुटिए ने बीबिया जे मैं दे दी रही हूँ मेरे भिरा की लाश ते घोड़े भजाए ने। बिस्मिल्लाह कर हाँ बिस्मिल्लाह जी जी बाबा लखवा रख जी लखवा रख। शाम और क्या घोड़े बजने पे हैं इन शराबा पीतिया हैं इन खुशियां मनाया हैं। शाम दी और तैयार ना देना सदे दिया रही हैं से सारे पुत्रों दे सर जुदा होने रहे। शाम दी और तैयार मुहर्रम ना देना मेरे हाथा च रसिया पाए ने बद पलाना उत्तर तो सरार की ताने बीबिया दी मैं पहली बेना जड़ी फिरा दिला आज तू रोंदी डर गई
बीबिया जी शाम यार पा मैं कुफाइया मेरे को पत्थर लगे मैं शाम मेरे को पत्थर लगे बस दादा अगर कहीं भी हसरत रह गई हो मेरिया कैदा छत गए मैं वतन वल रिया आओ मेरे को पत्थर मारे मैं हारे रहा ये बिस्मिल्लाह तो मैं तो जान नहीं ना जी जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा शाम यार था मैं वली वेदिया उठिया ना दिया ना माफी मांग दिया से कोई कम जुम्मे लो बीबिया दिया बिया तो कुछ ना दी मेरा बीमार भेड़ को तफन की थी वे ना मेरी धीरी पर दुआ शिमर तो डर रही है बिस्मिल्लाह हर बीबी अपने वारस को लगी गई है खड़ी है अली दीदी बीमार आदम तैन नहीं मंजना बीबी आज सजाद पूछ दिया दसा अब्बास को लगना या हुसैन को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुनी है कि दिया करूँ तो मिला दसा एक मेडल माला भिरा दिया मेरा हुसैन भिरा सजाद माला दिन हुसैन को लगना सैयद शहदा है बीबिया के रुनिए आज ये हुसैन मेर जीनी वाले आई बिस्मिल्लाह सोनी है के जी 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बस आखिर जो मिला हुसैन मेर जीनी वाले आई असमत अली भी कसम है हर बीबी रुनी है लेकिन एक अकबर की मां ने ऐसा वैर किया है हर बीबी तू कबर छुप गई है बीबिया के अकबर मैं सारे दर्द भूल बैसा अकबर यही के दर्द नहीं भूलता करबला तू शाम पे तेरा कातिल मेरे सामने हंसना